चलिए अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 20 और 21 जनवरी को सरगुजा में होने जा रही है। साथ ही 21 जनवरी को जनजातीय अधिकार महासभा भी शहर के कला केंद्र मैदान में आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति के 285 सदस्यों के साथ भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर सहित संगठन के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। जनजाति अधिकारी महासभा में संभाग भर से 50,000 से अधिक लोगों के आने की भाजपा को उम्मीद है। चुनावी साल में हो रहे इस आयोजन की कमान संभाल रही केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने INS 24/7 से खास चर्चा की। 20 और 21 तारीख को अंबिकापुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने जा रही है। बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2023 में चुनाव भी है। बैठक की कार्यभार संभाल रही है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी, हमारे साथ इनसे ही चर्चा कर लेते हैं। मैडम, प्रदेश कार्य समिति की बैठक अंबिकापुर में आयोजित है, 2023 का समय है, चुनावी वर्ष है, किस प्रकार के बैठक आयोजित होंगे और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? 20 और 21 को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। अभी हाल में ही केंद्र सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों की जो मूल समस्या थी कि वे जनजाति तो थे लेकिन उनका नाम आदिवासियों की सूची में शामिल नहीं था, ये पिछले 40 वर्षों से सूची में शामिल कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, हमेशा अपने गांव से लेकर दिल्ली तक दौड़ते रहते थे। तो अभी इस समय उनका काम अब हो चुका है, लोकसभा में उनका बिल पारित हो गया है, राज्यसभा में पारित होना शेष है। वे बहुत खुश हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेताओं को धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहते हैं। 20 और 21 तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम दिन होने वाला है क्योंकि 2023 के चुनाव की रणनीति भी यहां पर तय की जाएगी। बहरहाल देखना होगा 2023 के किसे जनता सरताज बनाती है तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा, लेकिन चुनावी सरगर्मी सरगुजा की भूमि से अब थोड़ी बड़ी बड़ी नजर आएगी। कैमरामैन प्रशांत के साथ संतोष कश्यप, INS 24/7 अंबिकापुर।